बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे किताब अल अरबियतुल नाशीन, पीडीएफ के ऊपर पेज नंबर 128। माँ हवा या तो का आपकी हॉबीज़ क्या है? ये 58 लेसन है, 20वां यूनिट है। जोया साहब आप सलमा हैं, जन्नत साहब आप जोहेर हैं, ये मुकालमा शुरू कर दें। माँ हिवायतों का याद जो है, आपकी क्या हॉबीज है? हवाई सहाफत वजमत तवाबियो। मेरी हॉबीज अखबार सहाफत है, सहाफत सर सहाफत है, और मेरी हॉबी सहाफत सहाफत है। और जमा करना। ठीक है। वांती और आपकी अलमा हिवायती रस्म व तदबीर मंजिल। मेरी हॉबी रस्म बनाना व तदबीर मंजिल और अपने और हाउस कीपिंग, घर के मामला देखना, यानी कि हाउस कीपिंग। आगे अना मुश्तरिकतुन फी जमाअति तकदीर मंजिल। मैं एक हाउस कीपिंग ग्रुप का हिस्सा हूँ। ग्रुप का हिस्सा हूँ यानी कि एक ऐसे ग्रुप में शामिल हैं जिसमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि घर को कैसे हमने मेंटेन रखना है, घर के काम शाम कैसे करने हैं, ये सब चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। अच्छा आगे। जहीर जहीर वाना और मैं मुश्तरिक हूँ, शरीक हूँ फी जमाती सहाफती, और मैं जो है सहाफती ग्रुप में शरीक हूँ। ठीक है। सलमा हल समعت ان معالج المدرسه। क्या आपने सुना है मदरसे के मारिद, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्कूल में होने वाला एक फंक्शन है। मार्च की तरह ये मतलब होते हैं शो डिस्प्ले, और इस तरह के इसके मतलब हैं फेस्टिवल, ये सब इसके मतलब होते हैं। तो उसने क्या क्या आपको स्कूल आपने स्कूल के फंक्शन के बारे में सुना है? जहीर नाम, जी हाँ, अमिलना सहीफतन जमीलतन। जी हाँ, सहीफतन सर, सहीफा कहानियाँ भी होती हैं। सहीफा कहानी का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसके हम आप तर्जमा करें कि हमने एक खूबसूरत अखबार बनाया है, या यूं भी कह सकती हैं हमने एक खूबसूरत जर्नल बनाया है। जर्नल, हमने खूबसूरत अखबार JOURNAL। बनाया। ठीक है। अमिल ना हमने बनाया, तो ये नून अलिफ ना है, ये हम, इसका मतलब है हम। अमिल ना और हमने एक खूबसूरत जर्नल बनाया है। जी सलमा। ठीक है। हमने एक मजेदार स्वीट डिश बनाई है। ये दूसरा टेंशन नाम जमला, इसका क्या मतलब? कौन सा जुमला? सर ये जो जहीर का नाम वो अमलना सही पता जमीला, और हमने एक खूबसूरत मतलब समझ लिया, और हमने एक खूबसूरत जर्नल बनाया है। यानी कि उन्होंने अपने स्कूल में डिस्प्ले करने के लिए ना उसके शो में फेस्टिवल में एक खूबसूरत अखबार कैरियर बनाया है, एक खूबसूरत मैगजीन बनाया है, इस तरह की कुछ चीज़ बनाई है उसने। अब फैजा साहब आप इस पूरे को पढ़ें। जी सर। सलमा माँ माँ हिवा या तो का या जहीर
आपकी हॉबीज क्या है जहीर? याद सहाफत यानी मेरी हॉबी सहाफत है और टिकट जमा करना है और आपकी सलमान तदबीरुल मंजिली मेरी हॉबी घर को सेट करना और घर बनाना है। मेरी जो है हॉबी वो है पेंटिंग करना, रसम का मतलब है पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, और तदवीर मंजिली और हाउस कीपिंग है, ये दो उसकी हॉबीज है। अच्छा आना मुश्ता आना फिर जमात तदबीरी अलमंजली अलमंजली और मैं एक ऐसी जमात हिस्सेदार हूँ और मैं एक ऐसी जमात का भी हिस्सा हूँ जो घर को सेट करना चाहते ठीक है। हैं। जही वाना मुश्तारिकुन फी जमात इस सहाफा और मैं जहीर कह रहा है कि मैं सहाफा की जमात का भी हिस्सेदार हेलो, आगे सलमा हल सबीता अन मदारिसा हलवा लजीजा और हमने एक मजेदार हलवा या स्वीट डिशेस बनाई हमने मजे की। ठीक है, आपने एक मज़ेदार स्वीट डिश बनाई है, ठीक है जी। आज मुझे आपकी आवाज़ बहुत तब्दील महसूस हो रही है, पता नहीं क्यों, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई और बोलने को लगा हुआ है। वो मे बी हेमिस्ट्री का प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हो रहा शायद आपको भी जो ऐसी तरह लग रहा है कुछ, इनकी आवाज़ डिफरेंट है, वो होगी है थोड़ी सी। है। मुझे जन्नत आपको भी लग रहा है, लग इससे लग रहा है कि कोई बंदा बोलने को लगा हुआ है आज। अच्छा, इस तब्दील का महफिल मसालीन, अगला सवाल है, ये आप लोगों को आता ही है तकरीबन, तो जो ऐसा भाई ये मसाले पढ़े आप। नहनु अमिलना हलवा सलमा लतीता हमने बनाए हैं स्वीट डिश मजेदार स्वीट डिश। ठीक है, नहनु अमिलना हलवा लतीता ये फेमस सहीफतु जदीदा सहीफतु जदीदा न्यू सहीफा या फ्रास नहनु अमिलना सहीफत तो सहीफा तो जदीदा हमने नया मैगजीन बनाया है। अना ठीक है, कर तू मैंने पढ़ा अना कर तू सहीफा तो जदीदा मैंने नया सहीफा पढ़ा है मैगजीन ठीक है, पढ़ा है तो उससे तो अरबी भाषा नहनु अना नहनु अना करा तू, अना करा तू। अना कर तू किस्से तू अरबी जा मैंने नया किस अरबी का नया किस्सा पढ़ा है और ठीक है, मैंने अरबी का नया किस्सा उनकी पढ़ा है, ठीक है, आगे जन्नत आप करें। जी सर अंता अश्तरीता अंता आपने अश्तरीता खरीदा है किस्सा तो अरबी है आपने नया किस्सा नया अरेबिक स्टोरी खरीदी है। अंता इश्तरीता किस्सतन अरबिया, आपने अरबी का किस्सा खरीदा है। और इसी तरह जो पहला था वो था अना करा तू किस्सतन अरबिया, मैंने अरबी का किस्सा पढ़ा, और अंता इश्तरीता किस्सतन अरबिया, आपने अरबी का किस्सा खरीदा, एक अरबी की कहानी खरीदी। आगे आगे सोहरत जमीला तो खूबसूरत तस्वीर ठीक अना इसका होगा अंता तरीदा आपने खरीदे सूरतुल जमीला
नई जो है खूबसूरत तस्वीर। ठीक है, आपने खूबसूरत तस्वीर खरीदी, सही है। आगे अंति मतलब फीमेल औरत के लिए अंति रसम थी, आपने पेंट की है, आपने पेंट की, इसका होगा सूरतुल जमीला, तो आपने खूबसूरत तस्वीर पेंट की। ठीक है जी, आगे फायजा। फायजा आवाज आ रही है? फायजा दिल में बातें कर रही हैं, आवाज नहीं आ रही। चलें जो आप ही पढ़ लें। सही आ रही। नहीं आ रही थी, अब आ रही है। फायजा आपकी आवाज नहीं आ रही जरा भी। फायजा आपकी आपको मेरी आवाज अब आ रही है। सर लाइब रियादिया, यानी लाइब का मतलब तो खेलना और रियादिया का मतलब रियाजी के साथ खेलना, स्पोर्ट्स गेम। इसका मतलब है स्पोर्ट गेम। अंति लोइप्ता ओ अंति रस अंति रसम ती लोइप्ता रियाजिया, आपने एक स्पोर्ट्स गेम की तस्वीर बनाई। जी सर। नहनु अमलना, नहनु अमलना लाइबादुर रियादिया। हमने स्पोर्ट्स गेम खेली। खेली। नहनु अमलना हलवा लजीजा, हमने मीठी डिश बनाई। ठीक है, हमने स्वीट डिश बनाई, सही है। आगे सवाल है, हव विल जुमल आतिया, नीचे दिए गए जुमलों में तब्दीली करें, कमा फिल मिसालाइन, जैसे कि मिसालों में की गई है, मुस्तईन बिमा तस्लो, उसको इस्तेमाल करते हुए जिसको आप सुने, या फिर अगर हम बैना कोसीन जोड़ेंगे इसके साथ तो मतलब होगा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसको इस्तेमाल करते हुए इनमें तब्दीली करें। समीना अनिल मारेदी, हमने इस शो के बारे में सुना, वो समीना अनिल मारे दिल मदरसा, हमने स्कूल के शो के बारे में सुना। ऐसा जो है सब आप मिसाल पढ़ें। मैंने इंतजार किया, कौंसलर का। इंतजरतुल मुशरिफुन नादी, मैंने क्लब के सुपरवाइजर का इंतजार किया। मैंने कल सुपरवाइजर का इंतजार किया। अना मुश्तरिक फिल जमात, मैंने हिस्सा लिया जमात में। अना मुश्तरिक फी फिल जमात सहाफा, मैंने सहाफत के की जमात में हिस्सा लिया। लाइबनल कुर्रतु, हमने फुटबॉल खेल या बॉल से खेला। लाइबनल कुर्रतुल कदम, हमने फुटबॉल के साथ खेला। जी जन्नत। जी सर। ज़हबना इला الحديقة हदीकती, ज़हबना हम गए इला الحديقة बाग की तरफ गए। ज़हबना इला الحديقة الحيوان, हम चिड़ियाघर की तरफ गए, जू की तरफ। समीतु, मैंने समीतुल आजान, मैंने आजान सुनी। समीतुल आजान जुहर, मैंने जुहर की आजान सुनी। मशीना इलल मंजिल, मशीना मंजिल, मैं मंजिल की तरफ गया। हाँ, यानी कि पैदल गया। मशीना हम हम मंजिल, पैदल गए, हम घर की तरफ पैदल गए। हम घर की तरफ पैदल गए। मशीना इलल मंजिल उस्ताद,
हम उस्ताद के घर की तरफ पैदल गए। अच्छा फायजा आप पढ़ें। जी सर। कुरान फिल मकतबा अल-मुदरिसा अल-मदारसा, यानी हमने लाइब्रेरी में बैठकर मदरसे की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ा। ठीक है जी। अच्छा वैसे इससे पहले हम 5 सी के पढ़ चुके हैं माजी की, आज हमने एक और पढ़ा है नून अलिफ ना। तो ये मर्द भी अपने लिए कहते हैं और औरत भी यही, औरतें भी यही कहती हैं। इसका मतलब है हम, नून अलिफ ना का मतलब है हम। आगे चलते हैं 122 को कहते हैं मियाँ वसनान वशरून। आगे 59 लेसन है, तदीबात मशकें हैं। अजीब अनिल असिला तिलातिया, नीचे दिए गए सवालों का जवाब दें। फायजा आप ये सवाल पढ़ें उनका जवाब दें। जी सर। माँ हिवा या तो जहीर, यानी जहीर की हॉबी क्या थी? तो जहीर की हॉबी थी कि हुआ आई थी सहाफातु वजम होता, कि वो सहाफत उसकी हॉबी थी और वो टिकट जमा करता था। ठीक है। हवाया तो जहीर असाफा व जम तवाबे। आगे हल तुहिब्बु जमा तवाबे, यानी कि आप टिकट जमा करना पसंद करते हैं। ला आना और हिब्बु जमा ताबिया, नहीं मेरा टिकट जमा करना पसंद नहीं करती। ठीक है। फिर आपने ये दो ला लगाने, ला ला ओहिब्बू जमा तवाबे, नहीं मैं टिकट जमा करना पसंद नहीं करता। और जबकि ये तोहिब्बू है ये सब मर्दों के लिए होता है इस्तेमाल। आगे जो है आप पढ़ें। हिवायतु सलमा सलमा की हॉबीज क्या हैं? हिवायत 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 सलमा अर-रस्म व तदबीरुल मंजिल। ठीक है। हवायत और सलमा रसम व तदवील मंजिली। माजा عملت سلمى في جماعة تدبير المنزل؟ عملت سلمى عملتا عملت अच्छा यहाँ पे एक चीज़ चलें नोट कर लें कि अब ये इन्होंने लाम के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा फतह, तो ये हम औरत के लिए हम इस तरह भी ले सकते हैं आमिलत, तो ये भी ठीक है। थर्ड पर्सन औरत के लिए हम आमिलत भी लिख लिख सकते हैं। ठीक है। जी सर। अमीर फीचर मार्क तब्दील मंजिली सहीफत जदीदा। नहीं सलमा ने तो स्वीट डिश बनाई थी ना। आमिलत अमीर सलमा। सलमा मा हलवत हलवत लजीज। ठीक है। लजीजा फी जमात तदवील मजनी। आखे आगे जन्नत। माजा अमिला जुहैर फी जमात सहाफत, तो अमिला जहीर जहीर ने क्या किया था? सर सहीफा अमिला जमीला। जहीर जमीला ठीक है। फिर जमात साहब फी जमात सहाफत। आगे मा हवा या मा हुआ तुकी। आई मा हुआ ए तुकी, आपकी हॉबीज क्या है? ठीक। हुआ आई थी रियल बस तनत। कौन सी आवा अभी। अल बस तनत ये क्या होती है। सर, इसकी कोई होती होगी? बताए ना मत, कोई अच्छ मैं भी हो सकता है ऐसी आप भी कोई अपना लूँ कोई अच्छी हुई तो। आवाज क्या नहीं ऊंचा बताएं सचिन बागवानी? जी। चलिए सर बता रही है बागवानी। बागवानी। अच्छा पता नहीं मुझे इसकी अरबी नहीं आती। चलो हेवा या तीब, चलो क्या कह सकते हैं।
अच्छा आगे चलते हैं। आयद अल इबारात अल आतिया मुस्तकदिमन मा तस्मा बैन अल कौसैन मा तगैर मा यलज़म। इनमें हमने बस ये थोड़ी बहुत तब्दीली करनी है जो अंडरलाइन वंडरिंग के हिसाब से आन नीला फी। चलें देखते हैं। जोया साहबा पहला कॉलम आप हल करें पूरा आन वाला। सवाल आने में मरीजी वाक्या उस शख्स में मरीज मरीज से सवाल आने मरीज के मरीजी मुतालिक सवाल क्या उस शख्स ने मरीज के मरीज मुतालिक के मुतालिक सवाल क्या उस शख्स ने मरीज के मुतालिक अना मतलब मैं सवाल तू अनिल मरीजी मैंने सवाल किया उस शख्स मरीज के मुतालिक ठीक है। अल मारिस अल मारिस सवालता साल तू मैंने सवाल किया अनिल मरीसी साल तू अनिल साल तू अनिल मरीसी मैंने सवाल मारिद। किया मरीज के मुतालिक अच्छा अंसर नहीं, ये लफ्ज़ है मारिद। मारिद उसको कहते हैं शॉर्ट, वो जो फेस्टिवल होता है, फंक्शन होता है। मारिद साल तू अनिल मारिद। मैंने सवाल किया फेस्टिवल के मुतालिक ठीक है अंत अंत के आगे में मारिस लगाना है जी। मारी दिल गाने है। सर ये मरीज नहीं लिखा है मरीज मसाल में लिखा हुआ है, नीचे जो सवाल है उसमें मारिद लिखा हुआ है। मरीज बीमार को कहते हैं, मारिद फेस्टिवल को कहते हैं फंक्शन। अंत अंत साल साल अंत माने आप साल तक अनिल मारिद आपने सवाल किया गलत है उसके फेस्टिवल के मुताबिक गलत है। देखिए क्या अंता का मतलब है आप। अब इस अंता को जो माजी में जमीर है वो है सालता। सालता सालता का मतलब है आपने सवाल किया। सालता अनिल मारिदी आपने फेस्टिवल के मुतालिक सवाल किया ठीक है। पढ़ा था समियात आपने अंतर लगाया था ना साथ। सुना नहीं सर मैंने उनका उसका तर्जमा बताया अच्छा आगे। समियात सवाल क्या उस शख्स ने समियात अरे अंत सवालत सम नहीं समियात अनिल मारिद सवाल सुना आपने फेस्टिवल के मुताबिक मर्द के लिए आखिर में ता फतह ता लाजमी लगाना है। समीता अनिल मारिद। मारिद सवाल किया आपने फेस्टिवल के मुताबिक ठीक है। नहनु हम समीना अनिल मारिद हमने सुना फेस्टिवल के मुतालिक बहस बहस तक ढूंढना तलाश करना सही है। बहस बहस बहसना अनिल मालिक हमने तलाश किया फेस्टिवल ठीक है। अलहकीबा बेग سمعنا أنيل معرض نعم سمعنا أنيل حقيبة بحثنا عن الحقيبة ہم نے بیگ تلاش کیا ٹھیک ہے بحثنا آگے جنت صاحب اگلا کالم آپ پڑھیں استمع إلى إلى الدرس استمع إلى الدرس سر استمع نہیں ہونا وہ آ بھی ہے چلیں جب علیحدہ پڑھیں گے استمع پڑھیں گے جب جملے میں پڑھیں گے استمع إلى الدرس استمع إلى الدرس استمع سبق سن उसने सबक उसने सुना सबक सुना
उसने सबक सुना, अन इस्तमा इल दर्स उसने सबक सुना, अना मैंने इस्तमा तू मैंने इल दर्स मैंने सबक सुना। ठीक है, इस्तमे तू इल दर्स मैंने सबक सुना। सर आप कसरा क्यों लगा रहे हैं? दर्स तो जो है इस्तमी तू क्यों पढ़ रहे हैं आप? इस्तमे तू पढ़ा ना, देखें इस अलिफ के नीचे कसरा, इस तमे तू आयन के ऊपर सुकून है और ता के ऊपर दमा, अपने लिए दमा ही लगाते हैं, इस तमे तू। ज़हब ज़हब गया ठीक है, वो गया और मैं सबक के लिए गया, मैं क्लास की तरफ गया। नहीं जी, नानु का मतलब है हम, जबकि जुमला मैंने आपको बताया मैं गया, तो उसके लिए आखिर में गलत 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 जहाब गलत जहाब तू जहाब तू जहाब तू इलत दर्स जहाब तू इलत दर्स सर इसका ट्रांसलेट कर रहे हैं जहाब तू इलत दर्स। हाँ करें ट्रांसलेट। दर्स तो सबक होता है। ठीक है सर, दर्स तो सबक होता है ना, तो यहाँ पे आप यूँ भी कह सकती हैं मैं तो जाना होता है। हाँ मैं सबक के लिए गया, जहाब तू इलत दर्स मैं सबक के लिए गया। नहनु इलत दर्स हम सबक के लिए गए। अच्छा नहीं, नानू का मतलब है हम, तो हमने जुमला बनाने हम सबक के लिए गए, उसमें क्या तब्दीली होगी जहाबा में? जहाब ना जहाब ना इलत, बिल्कुल अब समझ आ गई आपको, जहाब ना इला दर्स हम सबक के लिए गए। आगे ठीक है, उसके बाद अंता अंता आप ठीक है, एक मिनट सर गुम हो गया सर, अंता आप तो इसका हो जाएगा अंता अश्तरीतल कलम। नहीं जी, ना कलम का जिक्र है ना इश्तरी का जिक्र है यहाँ पे, यहाँ पे पिछला जुमला देखें क्या है, अपने पास नहीं जी, जो पिछला जुमला है उसी के हिसाब से बनाना है, पिछला जुमला था जहाब ना इलल हदीका हम बाग की तरफ गए, अब आपने कहना है कि आप बाग की तरफ गए, अंता से मुराद हमें पता चला कि आप जुमला होगा आप बाग की तरफ गए। नहीं जी, इसका हमने जमीर लगाना है, अंता का जमीर है जहाबता इलल हदीका आप बाग की तरफ गए, समझ आई अभी भी नहीं आई? बिल्कुल, नजर ता इलल हदीका आपने बाग की तरफ देखा। सर मैंने वैसे ये तुक्का लगाया था, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए कुछ आगे, तस्वीर आपने तस्वीर की तरफ देखा, नजरता इला सूरा आपने तस्वीर की तरफ देखा। ठीक है जी, आगे फायजा, सल्ला फिल मस्जिदी क्या मतलब है? सर नमाज पढ़ी मस्जिद में, उसने मस्जिद में नमाज पढ़ी, माजी में हमने याद रखना है, जब भी आखिर में ये फतह आएगी तो अब इसका मतलब होगा उस मर्द का जिक्र है थर्ड पर्सन का,
सल्ला फिल मस्जिदी, उसने मस्जिद में नमाज पढ़ी। अच्छा, नाहनू का मतलब है हम, तो हम का हमने ज़मीर इस्तेमाल किया नून अलिफ ना। सल्लैना फिल मस्जिदी क्या मतलब है? हमने मस्जिद में नमाज पढ़ी। ठीक है जी। अब लिखा हुआ है करा, पढ़ा। करा का मतलब है पढ़ा, तो आपने जुमला बनाना है हमने पढ़ा मस्जिद में। कुछ भी पढ़ा, यानी कोई किताब वगैरह या कुरान पढ़ लिया, तो जुमला बनाए हमने मस्जिद में पढ़ा। ठीक है, सही है। कराना फिल मस्जिद, हमने मस्जिद में पढ़ा। ठीक है, अब आपने कहना है कि अन्ना लिखा हुआ ना, तो आपने जुमला बनाना है मैंने मस्जिद में पढ़ा। उसल्लू करा तू फिल मस्जिदी कर। नहीं, करा तो करा तो फिर मस्जिद, मैंने मस्जिद में पढ़ा। ठीक है, अब मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा। मैंने लाइब्रेरी पढ़ा, इसका होगा करा तो फिल मकतबा। ठीक है, अब मैंने गार्डन में पढ़ा। अधिका ठीक है जी। करा ना, करा तू फिल हदीका। हदीका से याद है वो कोई कल्ब के क्या स्पेलिंग होते हैं? कल्पतर काफ लाम और बा। ठीक है जी, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सर, इसका मतलब एक जो काफ कैंची वाला काफ होगा उसका मतलब दिल होगा, और जो काफ कुत्ते वाला काफ होगा उसका मतलब कुत्ते ही होगा। ठीक है जी, तो ठीक है जी। आगे इंतज़ार इंतज़ारा इंतज़ार किया, तो मैंने गार्डन में इंतज़ार किया। मैंने आना, फिर आना लगा रही है। नहीं, इसका होगा अंतजार। तू इंतज़र, तू इंतज़र, तू। इंतजार तो फिल हादी का, मैंने गार्डन में वेट किया। ठीक है जी। इंतज़ार तू फिल हदी का, मैंने गार्डन में वेट किया। तो 123 को कहते हैं मियाँ वसला सवाशरून। ईद को, ईद का आप यहाँ पर लिखा हुआ लफ्ज़ देखें, ईद लिखा हुआ है। ईद का मतलब होता है काउंटिंग करना, गिनना, और इकरा का मतलब है पढ़ो। जो ऐसा भाई ये पढ़ें आप। अरबान वसलासुन 34, खमसुन वसलासुन 35, ठीक है, सितुन वसलासुन और 36। ठीक है जी। आगे हवलाले दाद लाती है लड़काम सुमारती हुआ। वो कह रहे हैं नीचे जो वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है इसको आप नंबरों की फॉर्म में पहले तब्दील करें, फिर इनको अरेंज करें। तो ये पढ़ें जनरल साहब आप इस वर्ड्स वाली फॉर्म को। जी सर, हमजा व सलासुन 35, 35, सलासा व इशुन, ये हो गया 20, नहीं 33, 23 इश्रून। नत्ता 23। जी सर, 23। तीसा व इशुन, ये हो गया 28, गलत। सलासुन 39, नाइन बस नाइन 29, ठीक है। सलासुन 30, सलासुन 37, 36 नहीं सितुन सिक्स वसलासुन, थर्टी सिक्स सिक्स इसनाना सलासुन इसनाना 32। ठीक है। स्नानी वसलासुन 32। आप फाइज साहब तरतीब दें। जी सर, सर एक मिनट, सबसे पहले आएगा सलासून 30, नहीं गलत, फिर उसके बाद आएगा
30 से छोटा नंबर है इधर। हाँ, वो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आएगा सलास व आशरून। ठीक है, सलास वाशरून। फिर आएगा खम्स व सलासून। गलत फिर आएगा तिसआ। गलत गलत सर, गलत। अरबा व सला अरबा वाशरून तो नहीं है इस यहाँ पर, देखें और तिसआ तो 6 होता है। सलासा वाइशरून पहले 23 आ गया, आपने सही बताया। उसके बाद आता है तिस्सा वाइशरून, 29 आते हैं। ठीक है, सर पहले 25 आता है फिर 29 आता है। 25 तो मुझे नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, किसी को नजर आ रहा है 25? ओ हाँ सर, वो 25 है, नहीं वो 35 है। हाँ अच्छा, सबसे पहले आएगा सलासुम आशरून, फिर आएगा तिसा व आशरून, फिर आएगा सलासुम, फिर आएगा इसना व सलासुम, फिर आएगा खम्स व सलासुम, फिर आएगा ये सित व सलासुम। सित्तुन व सलासुन। ठीक है, आगे इकरा पढ़ो। 36 जोया पढ़े। जैनब मंजिल घर जहर नाम जजर। जजर कि आप इसके जजीरे भी कह सकती हैं और कैरेट भी कह सकती हैं, गाजर। अब मुझे तो से हरकत का ऊपर शक है कि जुजर, हाँ जुजर होता है जजीरे, और जजर में ऐसे कैरेट्स को कहते हैं जमा। आगे ठीक है जी, इन सब कॉपी करें, इन लफ्ज़ों को देखकर कॉपी पे लिखना। फिर आगे 60वां सबक है, तदरीबात मशकें, तकल्लम बोलो। अजल हेवार कमाफिल मिसाल, वो कह रहे जैसा कि मिसालों में वैसे आपने मुकालमा शुरू करना है। तो मुदरिस ने लफ्ज़ दिया कराअतु, मुदरिस ने लफ्ज़ दिया कराअतु। तो पहला तरमीज़ कहेगा अना कराअतुल किस्सा, मैंने किस्सा पढ़ा। वो अंता माजा कराता, और आपने क्या पढ़ा। तो ये कराता से मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, वो अंता माजा कराता और आपने क्या पढ़ा। वो आगे से मर्द जवाब देगा अना करातुल किताब, मैंने किताब पढ़ी। इस मिसाल की तो समझ आ गई होगी, आसान है। अब यहाँ पे देखिए, ये किस्सा और किताब उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपने इन किस्सा की जगह नया लफ्ज़ डालना है हर जुमले में, और किताब की जगह भी आपने नया लफ्ज़ डालना है। और जबकि जो लफ्ज़ मुदरिस ने दिया था वो आगे इन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक है जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जोया साहिबा, अच्छा पहले दो का आप बताएं। मुदरिस ने आपको लफ्ज़ दिया अमिल तो, आप इसे सवाल भी बनाएं और जवाब भी बनाएं। जोया साहबा, अमिल तो मतलब मैंने किया। हाँ मैंने काम किया, अमिल तो का मतलब है मैं। अना अमिल तो। हलवा लजीजा, मैंने मजेदार स्वीट डिश बनाई। अना अमिल तो हलवा लजीजा। व अंत मासा अमिलता, और आपने क्या बनाया। ठीक है, अमिल तो सहीफतुल चलें। ठीक है, सहीफतुल अमिल तो सहीफतुल जरीदा। चलें ठीक है, आगे अना रसम तो सूरा, मैंने एक तस्वीर बनाई। अंत मादा रसमता, और आपने क्या बनाया। अना रसमतु
تدبیر المنزل. تدبیر المنزل کی میں یہاں سے تصویر نہیں بن سکتی، کوئی اور چیز لگا دیں. ادیکا کہہ دیں، انا رسم تو الحدیقہ. جی جنت، آگے آپ، آگے تین آپ کریں. ٹھیک ہے، ادا نماز پڑھی. صلی تو، میں نے نماز پڑھی. انا صلی تو، میں نے نماز پڑھی مسجد میں. انا صلی تو ظہر، میں نے ظہر پڑھی. اوا انتی، اور آپ نے مازا صلی تو، ہم صلی تا، اور آپ نے کیا، آپ نے نماز پڑھی. جو صلی تا ہے یہ سب مرد کے لیے ہوتا ہے، تو آپ کہیں وانتا، وانتا مازا صلیتا، اور آپ نے کیا پڑھا، یعنی کون سی نماز پڑھی آپ نے. انا صلیت، میں نے پڑھا. انا صلیت، میں نے پڑھی نماز الظہر. چلیں ٹھیک ہے جی، آگے. انا اشتریت، میں نے خریدا. انا اشتریت، میں نے خریدا. میں نے خریدا القصہ. چلیں ٹھیک ہے، انا اشتریت القصہ. ویسے یہ لکھا ہوا تھا، کوئی نیا لگاتی تو زیادہ بہتر ہوتا. اچھا یہ نہیں لگا، چلیے اب تو لگ گیا. اشتریتا، کیا اشتریتا، اور آپ نے خریدا. انا اشتریتو، میں نے خریدا. میں نے خریدا، کیا خریدا، صحافت، صحیفہ. انا اشتریتو صحیفہ، میں نے اخبار خریدا. ٹھیک ہے سر. انا تناولتو، میں نے تناول کیا، مطلب کھایا، نوش فرمایا. سر اپنے آپ کو تھوڑا عزت دینی ہو تو تناول کیا بھی کہہ سکتے ہیں. وہ تو اردو میں ہوگا نا، وہ تو اپنے آپ کو عزت، جی عزت ڈالنے کے لیے فرمایا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے منہ مبارک میں ایک نوالا ڈالا، اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو عزت دینے کے لیے. جی سر. انا میں کیا کھانا تھا، عزل، عزل. ٹھیک ہے نا، تناول تو خمسہ طباق العزر. ٹھیک ہے، کتنی پلیٹیں کھائی تھی؟ اور آپ نے کیا؟ انا تناول تو، میں نے کھایا. دماغ، وہ روٹی کی انگلش عربی کیا ہوتی ہے، خبز. خبز، ٹھیک ہے، خبز. انا تناولت الخبز. آگے فائزہ، آپ کی باری ہے. جی سر. انا کتبت علی الصفحہ، میں نے صفحے، پیج کے اوپر لکھا. پھر صفحہ ہوگا پھر، یا علی صفحہ. اعلی صفا، میں نے پیش پر لکھا. مازا کتبتا، وانتا مازا کتبتا، و
وَأَنْتَ مَاذَا كَتَبْتَ عَلَى الصَّفَا، آپ نے پیج کے اوپر کیا لکھا؟ وَجَدْتَ، اَنَا وَجَدْتُ، جواب بھی دینا کیا لکھا؟ آپ نے اس نے سوال کیا وَأَنْتَ مَاذَا كَتَبْتَ عَلَى الصَّفَا، اور آپ نے صفحے پہ کیا لکھا؟ تو جواب دیں، انا كتبت على الصفا، میں نے پیج کے اوپر لکھا اسمی، میرا نام، ٹھیک ہے، میں نے پیج پر اپنا نام لکھا، جی سر، وجدت یعنی پانا، انا وجدت سیارۃ جدید من والدی، میں نے اپنے والد کی طرف سے نئی گاڑی پائی، نہیں یہ جملہ ہی غلط ہے، انا وجدت سیارۃ جدید، میں نے ایک نئی گاڑی پائی، چلو آگے، وانتا، وانتا، وانتا ماذا وجدت، آپ نے کیا پایا؟ انا وجدت قلب فی الحدیقہ، صحیح ہے نا؟ سمجھ نہیں آئی، انا وجدت قلب فی الحدیقہ، میں نے گارڈن میں ایک کتا پایا، ٹھیک ہے، آگے، لائی تو یعنی کھیل، میں نے کھیلا، ٹھیک ہے، انا لائب تو کھیلا، کیا کھیلا؟ وَأَنْتَ، کیا کھیلا آپ نے؟ میں نے بال کے ساتھ کھیلا، ٹھیک ہے، انا لائب تو الکرہ، میں نے بال کے ساتھ کھیلا، چلو آگے، وَأَنْتَ، اور آپ نے لِمَاذَا لَعِبْتَ، اور آپ نے اس کے ساتھ کھیلا، وَأَنْتَ مَاذَا لَعِبْتَ، اور آپ نے کیا کھیلا، ماذا کا مطلب ہے کیا، اور لماذا کا مطلب ہے کیوں، یہ فرق ہے دونوں کے مطلب میں، وَأَنْتَ مَاذَا لَعِبْتَ، اور آپ نے کیا کھیلا، وَأَنْتَ لَعِبْتَ مَاذَا، وَأَنْتَ مَاذَا لَعِبْتَ، وَأَنْتَ مَاذَا لَعِبْتَ، وَأَنْتَ مَاذَا لَعِبْتَ، اور آپ نے کیا کھیلا، اَنَا لَعِبْتُ بِالْقُرَّةِ، میں نے کے ساتھ کھیلا، انا لائب ٹو کرۃ القدم، میں نے فٹ بال کھیلا، کوئی نئی چیز لگاتے ہیں نا، چلیں اچھا جی آگے، اقرا پڑھو، یہ جو ایسا باپ پڑھیں، اس طرح اس نے خریدا، اس طرح اس نے خریدا، اچھا الا کا مطلب ہے کی طرف، تو یہ پھر چلے آگے چلتے ہیں، آیت کا مطلب ہے درو، جی جنت، یہ پہلا کالم آپ پڑھیں، زخارہ والا، جی فائزہ، جی سر، بزالا بازالا، بازالا بازالا، بزالا سر کیا پڑھا ہے آپ نے، بازالا، سافٹ وائس سے پڑھیں، بازالا بازالا، ٹھیک ہے سر، یہ تو زا ہے، تو پھر بھی بازالا، یعنی کہ اس کو آپس میں ملانا نہیں ہے دونوں کو ہم نے، کیونکہ یہ حرکت کثیرہ ہے، کوئی سکون نہیں ہے یہاں پہ، کوئی شدہ نہیں ہے، تو ملا نہیں سکتے ہم، بازالا 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 آزالا نہیں آزالا جی، زویا آگے آپ پڑھیں،
ٹھیک ہے جی. 125 کو ہم کہتے ہیں میاں و خمسہ و عشرون. آگے تدریبات الکتابہ ہیں, ان سک کاپی کریں, اس کو کاپی پر لکھنا رائٹنگ پریکٹس کے لیے. پھر سل بین الحروف ہی, ان لفظوں کو ہم نے جوڑ کے لفظ بنا دینا, حروف کو جوڑ کے. تو جی جنت پہلا لفظ آپ جوڑیں. جی فائزہ. سر مرض. مارد. آگے زویا. حلوہ. ٹھیک ہے جی. آگے املاء الفراغ بے کلمت المناسبہ من الکلمات الاتیہ. پہلا فائزہ حافل کریں. سمیتو مارد ال املنا. تیسرا سوال ہے املنا خالی جگہ لذیذہ, اس میں فل کریں پہلا آپ. اچھا املنا ہم نے کیا حلوہ لذیذہ, ہم نے مزیدار حلوہ بنایا. جی جنت. جی سر لوبنا ریاضیت لوبنا لوبت ریاضی. ٹھیک ہے لائبنا روبت ریاضیہ. آگے زویا. ٹھیک ہے جی. آگے سل بین العبارات المجموعات حمزہ و ما. ریاضیہ کہتے ہیں گیم کو, اور ریاضیہ یعنی کہ ورزش والی گیم کو کہتے ہیں. لعبت الریاضیہ جس میں ورزش ہوتی ہے ہماری, جیسے کرکٹ فٹ بال کرۃ الماء, یہ سب ان ساری گیموں میں ورزش ہوتی ہے ہماری, تو ان سب کو ہم لعبت الریاضیہ کہتے ہیں. جی جی جم میں جو ایکسرسائز ہوتی ہے ان کو بھی ایسے کہیں گے, جو جم میں ایکسرسائز ہم لوگ کرتے ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے. جس میں بھی ہماری فزیکل ہوتی ہے حرکت, اس کو ہم لعبت الریاضیہ کہتے ہیں. آگے اصل بین عبارات المجموعہ. تو یہ ہیں جی زہر پہلا آپ جوڑیں. جی جنت. ٹھیک ہے. جی سر سمینا میں نے سنا ان مارد المدرسہ. ٹھیک ہے جی فائزہ. نہیں صحیح ہے سمینا ان مارد المدرسہ, ہم نے سکول کے جو فیسٹیول تھا شو تھا اس کے بارے میں سنا. منزل ہم نے گھر کے گارڈن میں کھیلا. ٹھیک ہے جی. گارڈن والا جملہ بھی اتفاق سے زیادہ تر آپ کے پاس ہی آتا ہے. رتب الکلمات لتصویہ جملہ, ان الفاظ کو ترتیب دیں تاکہ جملہ بن جائے. چلیں ٹھیک ہے اب آگے میں دیکھ لیتا ہوں. آگے کسی میں نا یہ گارڈن والا کوئی لفظ نہیں ہے. تو زیادہ صاحب پہلے آپ پڑھیں. پہلے جملہ بنائیں ان لفظوں سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی جنت. جی فائزہ. ہاں تھرڈ والا. المریض سالۃ الصدیق کی ان المریض, یعنی میرے دوست نے مریض سے اس کے بارے میں پوچھا. سال تو میں نے سوال کیا. ان میں نے اپنے بیمار دوست سے سوال کیا کے متعلق سوال کیا. ٹھیک ہے جی. آگے رہتے بلے عبارت لے تسبیہ قصہ, ان کو ہم نے ترتیب دینی ہے تاکہ کہانی بن جائے. تو زہر صاحب آپ بتائیں پہلے کون سا جملہ آئے گا. سر میں بتائیں قرآن استاد صحیفہ تھا. غلط. زیا بتائیں.
अमीरा जुहैरन सहीफतुल मियावदिल मुद्दसा। ठीक है कि जहीर ने स्कूल के शो के लिए एक अखबार बनाई। अच्छा ठीक है। और जन्नत दूसरे का आप बताएं। ठीक है आखाजा। और उन्होंने कहा हाजी ही सही पत्र। ठीक है जी सर ये भी हो सकता है। और उन्होंने कहा ये खूबसूरत है। ठीक है दूसरे पे था अखाजा जहीर सहीफा अल उस्ताज और तीसरे पे था कड़ा अल उस्ताज सहीफा। चौथा हो गया वो काला हाजी सफीत जमीला। ठीक है क्यों आगे चलते हैं। आगे नया सबक है ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ठीक है जी।